अलावा सूर्य मंदिर, नौ ग्रह मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नंदा देवी, हनुमान जी माता मंदिर, ये सब मंदिर घूमने यहाँ के आसपास की साइट सींग, लोकल साइट सींग। सूर्य पैलेस होमस्टे वालों ने उन्होंने गाड़ी करा दी है ये 2500 में, शाम तक घुमाएंगे आसपास की लोकल साइट सींग। चितई मंदिर जो अल्मड़ा का है वो मेन है, बाकी जागेश्वर वगैरह और भी देखते हैं कहाँ कहाँ घुमाते हैं। चले लेट्स बिगिन। तो चले चला। तो पहले चलते हैं जागेश्वर। Yes. कितनी दूर हो गए यहाँ से? 50 किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। चलते हैं। आपने रास्ते में देखा था 40 तो वही दिखा था अल्मोड़े में। 10 यहाँ से अल्मोड़ा। तो पहले अल्मोड़ा से होते थे? अच्छा वापसी में अल्मोड़ा वापसी। ठीक सीधा रूट रहेगा ना? ठीक है चलिए पहले चलते जागेश्वर, उसके बाद वापसी में अल्मोड़ा आएंगे। यहाँ की मेन मार्केट यही है ना? आसपास की मार्केट है यहाँ की, कोसी मार्केट बोलते हैं, कोसी बाजार। इतना प्यारा है। कितनी प्यारी सीनरी है। पानी है बोतल? पिकनिक कर रहे हैं यार, हाथ में रख लो वरना तुम्हारी आवाज नहीं आए। इधर कोई ज्यादा गाड़ी है देख। आगे जा रहे हैं हम लोग और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर ना, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए यहाँ पर, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने वाली गाड़ी खड़ी हुई है, चाय वाय पीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा रोड, मतलब रोड बड़ा खूबसूरत है यहाँ का ना, लोग एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं इधर की तरफ बैठ के। बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे, खूबसूरत है बड़ा, है ना, ज़िगज़ैग वाला। यहाँ से 20-25 किलोमीटर है शायद, 25 अभी 20 हाँ। तो यहाँ पे ये बड़े सुंदर जगह है खाने पीने के लिए, यहाँ आलू वगैरह, राजमा चावल, कढ़ी चावल, हल्का फुल्का खाने के लिए यहाँ पर है काफी। हाँ बड़े अजीब अच्छे स्टोन है ना। ये फैमिली तो वहाँ बैठी पिकनिक कर रही है। अब तो जा रही है। हाँ। जा रहे हैं। वो तो हम रुक गए यहाँ पे तो हमें देखने को मिल गया, वरना गाड़ी में देख के नहीं जाते। पर ब्रेक ले लेके जाने भी अच्छा लगता है। नहीं रुकना चाहिए, थोड़ा सा रुकते हैं, एंजॉय करते हुए चलते चलते बस 20 किलोमीटर होगा। Stop it. Stop it. See, rudely stop it. Stop it now. No, yeah, what will you have with this? But I'm here. स्टॉपेज लिया एक और ब्रेक। थोड़ा वैसा हो जाता है चलने से ना, लगातार गोल गोल घूमने से, तो थोड़ा रुकने से ना सही हो जाता है। चाय पी लो या फ्रेश हो जाओ, थोड़ा या फ्रेश भी हो लेंगे चाय पी लेंगे। मेरे का कितना रह गया होगा, 7-8 किलोमीटर, 5 जाओगा? चलो जो भी है 8 के कहूँगा। जागेश्वर जो टेम्पल है 8 किलोमीटर और होगा शायद। माँ जानकी फैमिली रेस्टोरेंट।
चाय बना देगा भाई हा? तीन लाओ, वो भी है ना ड्राइवर भी। चलते हैं बस, अब थोड़ा ही रह गया। पहुंच गए हम लोग जागेश्वर, थोड़ा ये नीचे। आपने कल चैनल बताया नहीं मेरे सर, भूल गया मैं बताया। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं जागेश्वर धाम। चलिए आपको यहाँ की मुख्य बातें बता देता हूँ, बाकी दर्शन तो हम अभी मंदिर जाकर करने ही वाले हैं। अल्मोड़ा से ये जगह 35 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम है, और इस जागेश्वर धाम में 125 मंदिर हैं, जिनमें 108 शिवलिंग हैं, 17 मंदिर और भी देवी देवताओं के हैं। और ये मंदिर जो हैं, इनकी शिल्पकला हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनमें से इसे एक कहा जाता है। कई पुराणों में इसे अष्टम ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। इस मंदिर समूह में आपको 108 शिवलिंग मिलेंगे। अगर दिल्ली से देखा जाए तो इसकी दूरी 395 किलोमीटर है, और करीब 8-9 घंटे यहाँ से लगेंगे आपको। अल्मोड़ा से ये जगह 37 किलोमीटर दूर है, और सबसे नज़दीक हवाई अड्डा पंतनगर 150 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप में शिव और पार्वती विराजमान हैं। करीब 1400 वर्ष पुराने बताए जाते हैं मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों का समूह है ये। यहाँ के मंदिरों में है पांडुकेश्वर मंदिर, लकुलेश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर जो सबसे मुख्य है भगवान शिव का, उसमें अन्य देवी देवता भी शिव भगवान के साथ अंदर हैं मंदिर के अंदर। वहाँ पे गर्भगृह में फोटोग्राफी भी मना है, वहाँ पे आप वीडियो फोटो कैमरा नहीं ले आ सकते हैं। थोड़ा आगे जाके कुबेर मंदिर है, और उत्तराखंड का अकेला मंदिर है कुबेर, धन के देवता कुबेर का, वो यहाँ पे है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नंदा देवी, दुर्गा मंदिर, हनुमान जी माता मंदिर, ये सब मंदिर। पहुंच गए जागेश्वर टेंपल। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ग्रुप है यानी ना, ये वाला गेट है। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना, है ना, बहुत सारे मंदिर एक साथ। कहाँ कहाँ पूजा करें? मुख्य मंदिर है, प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर ये मुख्य ग्रुप ऑफ टेम्पल है, बटुक भैरव। वही चल ये बटुक भैरव, ये पूरा यहाँ का मैप है। क्या क्या कहाँ कहाँ पे अरे पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं एक साथ, क्या बयान करूं क्या बताऊं। ये फूल नहीं चढ़ाना था? मैंने नहीं, प्रसाद दिया था मैंने। अच्छा प्रसाद। नौ ग्रह, सूर्य मंदिर और फिर नौ ग्रह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आप भी आएंगे तभी पता चलेगा, वो फील वही कर सकता जो यहाँ पे मौजूद हो। अंदर भी जो मेन जो है भगवान शिव का, भगवान शिव की जो मेन है वहाँ पे अलग ही माहौल था। यहाँ माता का ही आगे माता के दर्शन करें अभी, उधर शिवलिंग पे भोलेनाथ के, और बजरंग बली, फिर सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे आके ही फील कर सकते हैं। वैसे नहीं पता चलेगा, मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वो पता ही चलेगा, अलग ही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ही रात में ये सब 125 शिवलिंग, ये मंदिर, ये सब एक ही रात में बनाए गए हैं। ऐसा है, ये उत्तराखंड का प्रमुख धाम है, जहाँ पे साक्षात महादेव ने तपस्या की थी
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जागेश्वर धाम, इसको आठवां अष्टम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। महादेव और पार्वती यहाँ पर अर्ध नारीश्वर रूप में विराजमान है ऐसा बताते हैं। कैसा लग रहा है? हैं? बहुत अच्छा। पूरा मंदिरों का समूह है, बहुत सारे मंदिर हैं। नवग्रह सूर्य मंदिर, बटुक भैरव माता का शिवलिंग, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है कहीं कहीं है, मेन जो मंदिर है वहां पर बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब यहाँ से गेट से बाहर आके इधर से राइट पे कुबेर मंदिर, मेन मंदिर से बाहर आके और यहाँ से राइट पे जाके कुबेर मंदिर वहाँ लास्ट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मन सुकून सा, मन खुश हो गया कि यहाँ घूमे घूमे इतने सारे मंदिर एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभूतपूर्व है ना, यहाँ पे आके ही समझ सकते हैं ना, सही बात, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो है ना शायद वो ना कुबेर मंदिर, ये नदी से है, छोटी सी धारा है, वो पूरा एरिया है। यहाँ पे अंत हो गया ना सारे मंदिर। धूना जलता रहता है, ये हरिद्वार में होगा इनका धूना अखाड़ा, जाना अखाड़ा बड़ी ब्रांच जो वहाँ है। अच्छा अच्छा, सारे जगह जहाँ मठ मंदिर होते हैं वहाँ सन्यासी का धूना होता है। हाँ ये धूना लगा हुआ वहाँ भैरव है, सही कह रहे हैं वैष्णो देवी में कहीं भी भैरव मंदिर देवी के वहाँ जाओगे तो। ये आपके धुनी का है। और ये है चंडी का। अब ये कुबेर मंदिर है, कुबेर मंदिर और धन से धन के बिगड़ तो कुछ नहीं है। ये मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है जटागंगा के किनारे है, इसे जानवी नदी भी बोलते हैं। जटागंगा उत्तराखंड में बहने वाली जो भागीरथी नदी है उसकी एक उपनदी है, और भागीरथी नदी जो है वो स्वयं गंगा नदी की उपनदी है। तो ये जटागंगा जो है जिसको जाह्नवी भी कहते हैं, ये तिब्बत के माना दर्रे से निकल के लंबा सफ़र करते हुए उत्तरकाशी ज़िले में भैरव घाटी में जाके ये भागीरथी नदी के साथ इसका संगम हो रहा है। कितने पुराने मंदिर तो ये आदि अनादिकाल से है। इसका जीर्णोद्धार जो है 7वीं शताब्दी में आपसे 14-15 साल पहले राजा सारीबाग ने किया। इसे मंदिर तो पता नहीं कब से है ना, मंदिर तो आदि अनादिकाल से, लेकिन इसका वो किया था रेनोवेशन कौन सी उसमें सन में 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में बहुत पुराने समूह है। 21वीं शताब्दी है, 7वीं में किया, 7वीं में 1300 साल से भी ज्यादा हो गए, 1400 साल। ये धूनी है, इसे कैसे रखे? इसमें बच्चों को लगाने के लिए होता है, कोई डर। अगर आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा आ रहे हैं इस जगह को मिस मत कीजिएगा, वरना आप इस बेजोड़ सांस्कृतिक धरोहर को, इस प्राचीन विरासत को देखने से, इसको अनुभव करने से वंचित रह जाएंगे। मैंने आपको इस प्राचीन विरासत के दर्शन कराए हैं, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, इसे शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। बंद कर रहे थे यहीं रहे थोड़ी देर के लिए ना, बहुत अच्छा लगा।
आंखें और मन तृप्त हुआ है।